वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ में आईकैप के पास्ट एग्जाम की आटम 2021 के अटेम्प्ट से एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ डॉल्फिन लिमिटेड। अब ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, तो इसमें ये ध्यान में रखना है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग डायरेक्टर्स भी कॉल कर सकते हैं और इसमें रिक्विजिशनिस्ट की बेसिस पर भी कॉल हो सकती है। तो जनरल मीटिंग ऑफ डॉल्फिन लिमिटेड अ पब्लिक कंपनी लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी सरदाइंस गारंटी लिमिटेड अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। तो सब्सिडरी की भी हो रही है मीटिंग और इनकी भी हो रही है। हैव बीन शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन द सेम डे 30 सितंबर 2021 एट 9 AM एंड 2 PM रिस्पेक्टिवली इन इस्लामाबाद। यानी जो डॉल्फिन लिमिटेड की मीटिंग है वो 9 AM पर होगी और उसके बाद सरदाइंस गारंटी लिमिटेड की जो मीटिंग है वो होगी 2 PM पर, सेम डे पर, सेम टाउन में। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2017 आइडेंटिफाई द कोरम रिक्वायरमेंट्स फॉर बोथ द कंपनीज इन द अबव सिचुएशन। तो हम पहले कोरम रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो अपना आंसर बनाएंगे उसमें पहले डॉल्फिन लिमिटेड पर बात कर लेते हैं। अब डॉल्फिन लिमिटेड में आपने ध्यान में रखना है कि ये एक लिस्टेड कंपनी है, तो लिस्टेड कंपनी में जो कोरम रिक्वायरमेंट है वो ये है कि 10 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए पर्सनली और थ्रू वीडियो लिंक, और वो रिप्रेजेंट करते हो एटलीस्ट 25% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, चाहे अपने अकाउंट पर चाहे प्रॉक्सी के थ्रू, अनलेस कि जो उनके आर्टिकल्स हैं वो उससे लार्जर नंबर को रिक्वायर करते हो। तो आर्टिकल्स में इससे ज़्यादा 10 के बजाय 12 मेंबर, 15 मेंबर हो सकते हैं, लेकिन आर्टिकल्स की कोई बात सिनेरियो में नहीं दी हुई, तो हम जो रूटीन लॉ की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो ये तो पहली कंपनी की कोरम रिक्वायरमेंट डिफाइन हो गई। अच्छा, अब दूसरी सिचुएशन जो इसमें आ सकती है वो है कि जी जो दूसरी कंपनी हमारे पास दैट इज सरदाइंस गारंटी लिमिटेड, ये अनलिस्टेड है। अच्छा, अनलिस्टेड कंपनी में भी अब क्योंकि गारंटी लिमिटेड कंपनी है तो ये हैविंग शेयर कैपिटल भी हो सकती है और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल भी हो सकती है, तो हमें दो जो क्राइटेरिया उनको पूरा करना पड़ेगा। तो अनलिस्टेड में क्योंकि दो ऑप्शन होते हैं कि, और गारंटी लिमिटेड कंपनी नाम बताया हुआ, इससे पता चल, ये नहीं पता चल रहा कि इनका शेयर कैपिटल है या नहीं है, तो हम दोनों बातें डिस्कस करेंगे। तो अगर इनका शेयर कैपिटल है तो फिर इनका कोरम होगा 2 मेंबर प्रेजेंट पर्सनली और थ्रू वीडियो लिंक, और वो रिप्रेजेंट करते हो एटलीस्ट 25% ऑफ टोटल वोटिंग पावर अपने अकाउंट पर या प्रॉक्सी के थ्रू, अनलेस के आर्टिकल्स लार्जर नंबर रिक्वायर करते हैं। और अगर इनका शेयर कैपिटल नहीं है तो फिर लॉ इनकी मिनिमम कोरम रिक्वायरमेंट डिफाइन नहीं करता, बल्कि लॉ ये कहता है कि फिर कोरम रिक्वायरमेंट वही होगी जो उस कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन होगी। तो ये तो वो सिनेरियो था जहां पर जो मीटिंग है वो डायरेक्टर्स या मेंबर्स ने बुलाई थी, और अगर मीटिंग जो है वो रिक्विजिशन बाय द कमीशन हो तो फिर क्या सिचुएशन होगी, क्योंकि SECP भी कुछ सिचुएशंस के अंदर जहां पे कोई डिफॉल्ट हो जाता है मीटिंग को कंडक्ट करने का, तो वहां पर SECP भी जो है वो कह सकता है कि जी मीटिंग कॉल की जाए। तो अगर वो सिचुएशन अराइज हो रही हो तो हमारा आंसर क्या होगा। तो कमीशन मे गिव सच एंसिलरी और कंसिक्वेंशियल डायरेक्शन, जिसमें वो ये डायरेक्शन भी दे सकते हैं कि 1 member प्रेजेंट इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी शैल बी डीम्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग। तो ऐसी सिचुएशन में कोरम जो है वो 1% हो जाएगा, लेकिन ये दोनों कंपनीज के लिए होगा, चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो। तो कमीशन वाली सिचुएशन में तो 1% भी कोरम हो सकता है, अदरवाइज जो रूटीन सिचुएशन है हमने डॉल्फिन लिमिटेड के लिए क्योंकि वो लिस्टेड कंपनी है अलग रिक्वायरमेंट थी, और SGL के लिए क्योंकि वो अनलिस्टेड कंपनी है तो उसके लिए अलग रिक्वायरमेंट थी, जो इस क्वेश्चन के आंसर में मेंशन करनी थी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।